लेते रहेंगे, हमारे पैनलिस्ट से बात भी करते रहेंगे। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, बोलिए, बात कराओ जी उसे। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ जी, मुझे भी कुछ बात कहनी है। हाँ, क्या कहना है? बात कराओ जी उसे। मैं औरतों को पैसा दे रहा हूँ और औरतें जमा करती हैं, और बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने ड्राइवर को लेकर भग जाती हैं, ऐसी करती हैं, तो ये क्या क्या सही है ये चीज? लवलीन जी, हालांकि हम बहस को इस स्तर तक नहीं लेके जाना चाहते जिससे कि गलत शब्दों का उपयोग हो, लेकिन कहने का मतलब है कि गलत दूसरे पक्ष भी है जी। मैं पूरी तरह सुन नहीं पाई क्या कहा था कॉलर ने। चलिए, हम उस गिरी हुई सोच है जो आप कह रहे हैं कि जो पैसा जोड़ेंगी वो किसी के साथ भाग जाएंगी, क्या हमारे देश की यही पृष्ठभूमि रही है महिलाओं की कि वो किसी के साथ भाग जाएंगी? ये कहा, पूरा जीवन समर्पण किया है महिलाओं ने अपने परिवार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह की जो सोच है ये आपकी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, आपकी माताजी ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपकी पत्नी आपकी बच्चों की देखभाल कर रही है, और एक वो आपके घर में पत्नी, अब मुझे नहीं मालूम कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, हो सकता है नहीं भी, हम बहस इस तरह तक लेके भी नहीं जाना चाहते। समाज में गलत तत्व हमेशा रहते हैं। अब फिलहाल इसकी कलयुग में बढ़ोतरी हुई है, उसको घटाना ये हमारे समाज के कर्तव्य है। जो इसमें बड़ा विशेष आता है कि आज ये 10-20% से बात कर रहे हैं, अगली राजनीतिक पार्टी आएगी वो वोट लेने के 30-40% करेगी। जैसे पैसा तो एक ऐसा जहर बुझ जाएगा इस संस्कृति में कि हर आने वाली राजनीतिक पार्टी वोट का मुद्दा। आप तो कह रहे हैं 100% पैसा अपनी पत्नी को देते हैं, तो उसमें 30% वो अपने लिए रख लेते, तो आपको क्या आपत्ति है? नहीं, ये कानूनन नहीं दे रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो कानूनन नहीं दे रहे हैं, कानूनन नहीं दे रहे हैं, पर मैं कह रही हूँ उसमें से 30% कानूनन भी उसके पास जाता है, वो अपने बैंक अकाउंट में डालती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? सुरेश जी, जो पूरा हमारा परिवार का ताना बाना है ये प्रेम के सिद्धांत पर आधारित है। मुझे कई संतों ने बताया जो विदेशों में जाते हैं कि नरेश जी वहां 10,000 करोड़ के मालिक जो लोग हैं वो रोते हैं। मैंने पूछा स्वामी जी कारण क्या है, कहता है प्रीति का अभाव। भारतीय महिला अनकंडीशनल लव करती है, निस्वार्थ प्रेम है। ये जो निस्वार्थ प्रेम है, आप प्रेम का मोल कीमत के करने के सिद्धांत को जन्म पैदा कर रहे हैं। पुरुष इस बात से डर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, प्रेम को बेच रहे हैं घर में, परिवार में बाजार मत बनाइए। तो आप पैसे घर में दीजिए, समाज बाजार। अगर अगर आप ये सोचते हैं कि आप पैसा जब घर में देते हैं घर चलाने के लिए, तो आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक आदान प्रदान पैसों का, वो तो बात है ही नहीं। एक फेसबुक पर फिर पोस्ट आई है, उस पोस्ट में कहा गया है कि अगर बच्चे पालने और उनको पैदा करने की भी अलग से फीस के लिए भी कोई आगे राजनीतिक दल आएगा और उसकी सूचना देगा, फिर हो सकता है कि बेटा बेटों को संभालने के लिए भी उसके पैसे बेटा बड़ा होने के बाद मांगे जाए, या बहन भी भाई को रक्षा का टैक्स देगी। ये सुनील चौधरी नोएडा से ही पोस्ट करके कह रहे हैं। सुरेश जी, आप ये बताइए कि अगर ऐसा है जो ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, तो आज जो हो रहा है वो सही है क्या? आज जो पुरुष इतना औरत को दबाता है वो सही है क्या? अगर गवर्नमेंट ये कानून बना रही है, आप बताइए क्यों बना रही है? वही बेसलेस तो नहीं होगा? कारण ही हम देख कारण रहे हैं, तो है ना कुछ कारण ही देख रहे हैं, लेकिन वो कारण और उसके परिणाम भी देखेंगे, फिर उसके उपाय भी देखेंगे, क्योंकि इन सारे चीजों को जब तक नहीं देखा जाता तब तक केवल एक किसी भी एंगल से। जब भाई राखी पे बहन को पैसे देता है तो क्या ये कोई मॉनेटरी गेन के लिए देता है उसको? तो फिर प्यार से देता है, उसके खर्चे के लिए देता है। तो ऐसे जब हस्बैंड देता है अपनी पत्नी को खर्चे के लिए, तो क्या प्रॉब्लम है? संस्कृति में ये जो धागा बनता है ना, ये धागा की कोई कीमत नहीं है। इस एक धागे से, ये कतरा सा पच्चा सा धागा है, लेकिन इस एक धागे की कीमत के लिए भाई अपने बहन की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देता। तो फिर वो क्यों उसको? लेकिन अगर इसकी कीमत लगाई जाएगी तो फिर वो भाई की उस जान की बाजी लगाने पर आप प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। ये छोटा सा कच्चा धागा लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। ऐसा है, ये खुशी का मौका होता है, वो श्रद्धा से अपने जो भी होता है उसको देता है, ये हमारा ट्रेडिशन है, और एक आर्थिक सहायता हो जाती है उस तरीके से बहन की, कि उसने अगर वो उसकी स्थिति देने की है कि 10,000 रुपए में अपनी बहन को राखी के स्वरूप दे दूं, तो उसकी आर्थिक मदद हो जाएगी। बिल्कुल, तो ऐसे वाइफ के लिए करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर ये धागा आपके लिए इतना सीक्रेट है, सरकारी कानून नहीं आने चाहिए। परिवार प्राचीन भारत, अगर अगर मर्द औरत की
इज्जत करेगा, सिद्धांतों से चलता है। मर्द अगर औरत सरकार के बनाए हुए कानूनों से, मर्द अगर औरत को पूरी इज्जत देगा तो किसी कानून की जरूरत। आज भी हमारी बूढ़ी माँ 80-85 वर्ष की होती है, उसके सारे पुत्र उस माँ का कितना सम्मान करते हैं, क्या वो ये देखते हैं कि ये माँ मेरे काम की है नहीं है? वो बीमार माँ है, खांसी होती है, लाखों करोड़ों रुपए वो लोन लेता है, अपने घर को बेच देता है। कई हैं जो माँ को घर से भी निकाल देते हैं, बिल्कुल ऐसा भी वर्ग है, पुत्र भी है जो माँ को धक्के दे के घर से निकालते हैं। लेकिन ये तो कमलेश जी, एक यहाँ पर आपके ही नाम की कमलेश पांडे पटना से आपको सवाल पूछ रही है फेसबुक पर कि जब वो कुछ काम करने नहीं लायक नहीं रहेगी तब उसका क्या होगा? इसीलिए ये जरूरी है कि ये 20% उसको दिया जाए, ये फाउंडेशन होनी चाहिए, ऐसी ही महिलाओं के लिए ये कानून होना चाहिए। चलिए सुनते हैं कॉलर क्या कहते हैं, बहुत से कॉलर आज वेटिंग है और इस पारिवारिक विषय पर अपनी बात को रखना चाहते हैं, बोलिए। नमस्ते सुरेश जी, प्रदीप आर्य कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ। बोलिए प्रदीप जी। सबसे पहले तो मैं आपको इस विषय को इस बिंदास बोल के मंच पर लाने के लिए बधाई दूंगा। और जहां तक बात मैडम ने बोली है नलिनी जी ने कि इस कानून के पक्षधर हैं क्योंकि पैसा देने से महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पैसे से खरीदा जा सकता है, मान दिया नहीं जा सकता। और भारतीय समाज कर्तव्य की बात करता है, कानून की बात बाद में है, जब कर्तव्य की अवहेलना हो तब कानून की बात आती है। आज यदि समाज में यदि किसी महिला को उसका जो सम्मान नहीं मिल रहा तो वो मानसिकता में कहीं कहीं कमी आई है। जरूरत कानून बनाने की नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो उस विकृति को दूर करने की है। जिन पुरुषों के मस्तिष्क में ये बात आई है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहते, उनमें संशोधन की आवश्यकता है कि कानून का डंडा लेकर के और उनको पैसे से सम्मान की बात की जाए तो वो बिल्कुल गलत है। और समाज कर्तव्य से चलता है और जब कर्तव्य बोध हो जाता है तो वहाँ कोई भी कानून काम नहीं करता। और जो एक पति पत्नी का रिश्ता है, जो भारतीय पारिवारिक संरचना बनी हुई है, ये कानून उसको तोड़ने की बात करता है। मेरा ख्याल इससे जुड़ेगा, टूटेगा नहीं, जुड़ेगा। किराए की कोख जी, जो किराए की कोख जब से ये की परंपरा समझो आई है तब से ये इस प्रकार